मध्य प्रदेश में अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने गुरुवार को इंदौर में डॉक्टरों के साथ एक बैठक की, जिसमें आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण से निपटने की बातों को गंभीरता से लिया गया। इंदौर शहर में कोरोना के आंकड़े 500 के करीब पहुंच रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में संक्रमितों के बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था किस प्रकार होगी, ये स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मोहम्मद सुलेमान ने गुरुवार को इंदौर में जाना। उन्होंने ये भी बताया कि नवंबर में कोरोना संक्रमित के आने वाले विकल्प के बारे में डॉक्टरों से चर्चा की गई, ताकि एक महीने पहले सभी तैयार रहें। आने वाली स्थिति से सबको संभालने के लिए मोहम्मद सुलेमान ने डॉक्टरों से चर्चा कर होम आइसोलेशन की बात पर भी जोर दिया। दो तीन बातें यहाँ के डॉक्टर से बातचीत करने में मुझे समझ में आई। पहली बात, इन लोग का ऐसा कहना है कि अगर केसेस की संख्या बढ़ती भी है तो हमको होम आइसोलेशन को फर्दर प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अस्पताल के बेड की आवश्यकता नहीं है, और अगर वो होम आइसोलेशन में रहेंगे तो वहाँ रहने से उनको ज़्यादा लाभ होगा। दूसरा, डॉक्टर्स ने टेली मेडिसिन को बढ़ावा देने की बात भी कही कि हम टेली मेडिसिन के माध्यम से लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। एक सीनियर डॉक्टर्स ने ये सलाह भी दी कि हमको आसपास के जिलों के डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए और हेल्थ स्टाफ की ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इंदौर जैसे बड़े शहरों में हो रही हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं। ये उनकी बैठकों के कुल मिला के मुख्य सुझाव थे जिस पर उनसे चर्चा हुई है। हम लोग अब अपनी प्लानिंग हमेशा एक महीना आगे करके चलते हैं, तो सितंबर, अब हम लोग ने नवंबर के बारे में प्लान करना शुरू कर दिया है कि हमको नवंबर में क्या सिचुएशन बनेगी, तो उस हिसाब से इन लोगों से बातचीत बहुत उपयोगी रही है।